सब कैसे हो? आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस पैकिंग हो चुकी है हमारी पूरी कंप्लीट, बस हमें 4 बजे निकलना है। बस से हमें जाना पड़ेगा, हमारी जो ट्रेन थी वो हो चुकी है कैंसिल। तो गाइस इसीलिए हम जाएंगे बस से। और इधर मम्मी के नाके हो चुकी है रेडी। दीदी आप कहना नहाने के बाद फुल लुक दिखाया करो। लो फुल लुक देख लो, जमा नू हो गया सो जमा पाग लो रही हूं। और सूट भी नू होने लगे, थोड़े से मुझे टाइट टाइट लगने लगे। बीच में ठीक हो गए थे, बीच में ठीक हो गए थे, कुछ निखार ही जैसे मैं देखा लत देख एक बार। मम्मी इधर भी इतने लगा रहे जो कल मम्मी को मिली थी वहां पे मंदिर के अंदर। तो गाइस ये हो चुका है मम्मी का बैग, पता नहीं इसमें क्या है, मम्मी ने डाला है, बहुत ज्यादा भर लिया है। 4 सूट डाले मेरे, पता नहीं क्या। और मेरा बैग देखो, इतना छोटा सा बैग है, बिल्कुल फिट हल्का। बेटा तेरे नए सूट है तो लपेट के डाल लेती है। और इसमें खाने का सामान है, ये मेरा इसके अंदर सारा खाने का सामान है। ये मम्मी का सिंधा नमक है। मैंने मम्मी के रात को पैरों पे ना मेहंदी लगाई थी, और ये मेहंदी बुंडी रच रही है। मैं कह रही हूँ मेहंदी बुंडी लगा रखी है, मेहंदी थी लेकिन सुंदर लगी, हाथों की अच्छी लगी थी। और पता है पैरों की रची ही नहीं, कड़े तो दे दे के पैर का चालू चूड़ी के कड़े। बुआ जी तो सो रहे हैं। ओए के पैरों चूड़ी को नहीं तेल कोई टंकी देख लो पड़े या चूड़ी देख। इस बैग में से मैंने आधार कार्ड निकाल थे, क्योंकि वहाँ पे आधार कार्ड भी लेके जाने हैं। और ये बुक्स मेरी बाहर है, क्योंकि यार मेरा जो बैग है उसके अंदर अभी मेरा सामान लेके जा रहे हैं ना, और ये बैग मम्मी लेके जाएगी साथ में। इतना पैसा है देखो, कैसे सोने के कड़े ऐसे बेड पे पड़े ना, पैसा पैसा करती है। 150 रुपए के सोने के कड़े है। लमन दे दे कोई डाल लूं फिर भूल जाऊंगी, फिर बुआ जी गुस्सा करेगी नंगी आता ना। ये बुआ जी का टावल यहीं पे पड़ा था, तो ये बुआ जी का टावल और ये बुआ जी की टी शर्ट लेके जाएंगे बुआ जी। और मम्मी कह रहे की ये कैप भी ले चल तू वहाँ पे ओढ़ लियो, सुंदर लगेगी। आये हाय क्या लग रहे हो मम्मा जी, हाय हाय बोल रहे हैं, हाय हाय बहुत प्यारे लग रहे हो। ओहो फिर तो ले मैं दोबारा कर लूं, ये ले चलिए सुंदर क्या बात है ना, ठीक है। और तूने ड्रेस तो ऐसी डाली नहीं, तू उधर वीडियो शूडियो डंकी बना लेगी, ये ना उस पर डालियो कोट पे, ठीक है। तो गाइस गर्मी बहुत हो चुकी है, कल से हमने एसी स्टार्ट कर ले भाई चलाने के लिए। कल इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, हम 1-2 बजे सोई हमारी बेटी नुसलो, इतनी बेचैनी लग रही, तनु ने जिद कर ली मम्मा मेहंदी लगाऊ मेहंदी लगाऊ, मखा लगा दे बेटा, पूर्वे तो रह गई तेनू। कोई नहीं ट्रेन में लगा लेना, ले चलिए तो फिर मेरी, ठीक है ठीक है ले चलिए मैं लगा लूंगी। तो गाइज मैं ना आपके कमेंट पढ़ रही थी, कमेंट कुछ ऐसे थे कि है ना कार संदीप के बारे में बोल रखी कि आप संदीप की साइड ले रही हो ना, तो मैं संदीप से बात करती और ना मैं करती कार और से बात, मैं किसी से बात नहीं कर रही अब कई दिनों से, मतलब 1 साल के करीब हो चुका है और मैं किसी से बात नहीं कर रही। मैंने जो दिखा ना वही बोला भाई, देखो ना तो मैंने संदीप खाने को देता ना देता कालू, मैं अपने दम पे करने लग रही हूँ और अपने दम पे ही चलने लग रहा अपना काम। मैंने नू नहीं की संदीप देख जाओ तो मैं संदीप के फेवर में बोलूंगी कालू का फेवर, मैं किसी दोनों के फेवर में नहीं बोल रही, मैं जो बात होगी ना मैं की वही बोल रही हूँ कि आज तक ना जो भी कर रहा है ना तो संदीप उनका कर रहा है। रही बात चैनलों की, चैनल तो मेरे ती सिखाया था, चल मैंने चैनल पर काम किया है, मैंने सैलरी मिलती थी तो उन दोनों चैनल अब उनके पास है, दोनों चैनल दो हैं चैनल वे उनके पास ही है, सरोज के पास है, उसमें संदीप और का कोई रोल भी नहीं है और दोनों चैनल वे खुद भी चला सकते हैं। संदीप ने तो दिया ना काफी दिन हो चुके हैं उनके चैनल वगैरह, और खुद का खर्चा अपने कुछ भी हो हर लुगाई नू सोचेगी कि दूसरे का भाई का भी मेरे से भी लगा लो, मेरा घरवाला अगर दूसरे भाई का करता तो मेरे से भी शायद बर्दाश्त ना होती, और वे तो कर रही है इतना करते करते भी। इतने छोटे छोटे बच्चे थे जब से कालू की हालत, इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि नू सोच लो सुन तेनू भी नहीं पता कि बच्चे हुए हैं। सरोज ने अपना रह कर भी टाइम पास कराया है और उधर से संदीप ने सपोर्ट करी है जब सरोज रही है, अगर संदीप सपोर्ट ना करता तो आज के बराबर माई कभी बैठी होती, ये बोल दो जिस तरह हम बैठे हैं, हमारी सपोर्ट नहीं थी भाई किसी चीज़ की। मैंने सोचा माइके में काम चल जाएगा, मेरा माइके में नहीं चला तो मन अलग रहना पड़ा, क्योंकि हालात बिल्कुल खराब थे। हंसी के जब हंसी गई जब कालू इतनी शराब शुरू पीता था, जब इतने हालात खराब थे उसी टाइम में ना मेरा स्टैंड लेना पड़ा कि किसी के घर में पार नहीं पड़ेगी, ना भाभी के घर में पड़ेगी ना भैया के घर में पड़ेगी, पड़ेगी तो अपने ही घर में पड़ेगी। चाहे कितना ही कमा लो अपना थोड़ा करके भी थोड़ा खाऊंगा ना उसमें भी इतना सुकून मिलेगा, ठीक है। ईव तुम कुछ भी कहते रहो कि दीदी आपको ले सपोर्ट, भाई मेरा तो अरमान में इतनी खर्चा कौन देगा जानता कि मैं अरमान की साइड लेऊंगी। हाँ जो इन आँखों से देखा है ना वही मैं बोलने लग रही हूँ, जो मैंने इतने दिन से मार से भी मतलब कुछ भी बातों में भी इनू कह इनू लेना सपना मन में बच्चे दिखे हैं, सरोज मेरी माँ बरोबर है, एक ही आवाज़ उस बंदा का मुँह तली कड़ी है, चाहे मारे खातर ना करे उसने पर तेरे खातर तो जरूर करे है भाई। बस मैं तुम्हें ये कहूंगी अपनी लड़ाइया ना बंद करो, ब्लॉक में तो ना बिल्कुल भी डालना ही बंद कर दो, करो तो लड़ाई करो तो फोन पर लड़ाई करनी शुरुआत कर दो, जितनी हो ना लड़ाई करो फोन पर। ब्लॉक तो एक ऐसा चीज बना दी तो हर चीज किसी की भी लड़ाई हो
वो लोगों में डाल दिया। मेरी किसी से भी लड़ाई नहीं थी, मेरा मैटर उठा जब, किसी से भी लड़ाई नहीं थी। मैं कितनी बदनाम करी हूँ, कितनी करी हूँ, सरोज ने भी करी हूँ, मैं बहुत करी थी सरोज ने भी। या अगर सब आक्यारी है या नुआरी है, तू तेरी की क्या लत है? हमने तो इतनी दया हुआ है कि तू घर से बाहर निकली तो हमने लग के मारा तो घर खराब हो गया। अगर मेरे साथ भी किसी की सपोर्ट होती ना, मेरे नंदा की सपोर्ट होती ना, मैं आज उधर ही पाती, मैं उजमा भी कौन मिलती। ये बात गलत नो तो कह दे, तुम तो घर छोड़े बैठी हो। अरे मेरा एक का भी साथ होता ना, किसी का भी, अगर हम इभी भी फोन पर बोलो मैं कहो हाँ सरोज तेरा साथ हम देवांगे, सारा तक करना, सारा ही सपोर्ट तेरे का नहीं है, क्योंकि तेरा खसम काम का नहीं है भाई। जब तेरा गल है सपोर्ट हम पूरी तरीका से देने लग रहे, मेरा गलत तो किसी के साथ कौन था? मेरा तो मायके वाले का भी साथ कौन था? मैं मायके आई तो भी मेरा साथ नहीं मिला, तो माड़ा मन ये दिन काटने पड़े हैं। आज भी हालत ऐसी हो रही है, बीमारी में भी तेरा तो छोरा काम है, मैं छोरी ना लेकर कड़े कड़े घूमू, फिर भी मैं अपना ये भी इतनी हालत खराब हो रही है, रात में एडमिट भी होना पड़ा गया, टिकट मैं कैंसिल करवा नहीं सकती। फिर मैंने सोचू दो तीन दिन के मेरा भाग्य बदल क्या जाऊँ, उठते सारे जने जिद करने लग गए, चल 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 मूड खराब ना करा, इनकी वजह से मैं जाने लग रही हूँ। जो मेरी माता जी पर सारा साथ जा ना, उनके गल में जान लग रही हूँ, सोचू हूँ थोड़े बहुत जो पिछला जन्म में कराखी में भुगत ले भाई, ईब का जन्म में तो किसी का बुरा कराया को नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी, और आप ना ये कमेंट मत करो कि सपोर्ट कर रही है अरमान की, मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रही। अरमान से मेरी बात हुई ना, सोच ले जन्मदिन पर भी सिर पर ना उस पर करनाल मिला था ना, जब मेरी बात हुई थी उससे, मेरी कुछ भी बात नहीं होना रही, कुछ भी नहीं बात करने लग रही, मैं किसी से भी नहीं करने लग रही। और मेरा पहली बात तो मैंने मेरी बीमारी तो फुर्सत को लग दी, मैं बात की करूँगी। अरे बात तुमने ऐसा कुछ बोल रखा है, मेरा उसकी भरपाई को नहीं होने लग रही, मैं उसकी बोल नहीं पा रही, बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही कि मैंने छोटी सी बच्ची पे भी इल्जाम लगाया तुमने, सब ने मिलकर लगाया है, तो मैं उस बात ने बिल्कुल नहीं बोल पा रही भाई, बिल्कुल भी। और मैं सपोर्ट किसी की नहीं ले रही, आपका जी करे तो तुम करो कुछ, तुमने घर दिखता तो तुम आ जाइयो भाई। हमने तो हमेशा नंदा ने कहा, हमेशा नंदा ने तो गाल खाई, हर चीज़ पर टुंट मारे हैं, कराया कराया मारती, बीच में मत दसो भाई, तब तुम करो अपना घर में आ जाओ और रह लो, वो गया नशा मुक्ति में, अपना बसा ले भाई। मैं तो एक ही बात कहूँगी, तीनों बच्चे शादी के लायक हो रहे हैं, अपना बसा ले, अपना रह ले घर में, तेरी फुल सपोर्ट है। किसी दिन भी याद कर लिए एक बार, आवाज़ दे कभी, दीदी आ जाओ, चाहे तेरे तो लड़ाई हो रही हो, चाहे हमने कुछ भी नहीं करके आना पड़ो तेरे घर में, तेरा साथ दे कर हम वापिस आ जाऊंगे, लेना देना हमने सही को तरते कुछ भी नहीं, ना लेवांगे और ना हम देवांगे। इसे फेंटा के अंदर हमने दूध भर दिया, क्योंकि है ना यहाँ पे कुछ काम तो आएगा नहीं, हम तो जाएंगे और ये कोई पिएगा हाथ नहीं हमारे घर पे। मम्मी को चाय बंद हो रही है, मम्मी क्यों हो रही है चाय बंद? तो मम्मी चाय पीती है नहीं और मैं दूध वैसे ही नहीं पीती, तो ये बुआ जी ने हाँ की बोतल भर ली, और बुआ जी को पानी की बोतल भरनी, और ये देख के आ रही हूँ मैं दूध, पानी की बोतल तो बड़ी लेनी पड़ेगी भैया, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कौन को दीदी कह तो रही थी और पता नहीं भाई, मुश्किल होगी, इधर मैंने मेरी कोल्ड कॉफी बना ली और यहाँ पे मम्मी को मैंने अनार काट के दे दिए हैं। और क्या हुआ भाई फोकस, आप दिख ही नहीं रहे क्यों? अरे पता नहीं क्यों, थोड़ी देर लेट जाऊ, लात ना मार देना मेरे कॉफी के, मेहंदी दे दे, नहीं आप अभी खा के और ना थोड़ी देर सो जाओ, फिर बाद में लगा लेना, रिलैक्स होकर सो जाओ। तो गाइस बस अभी सारी पैकिंग तो आपको पता है डन हो चुकी है, बस अभी हमारी थोड़ी देर में बस है, तो अभी सोएंगे हम, इस व्लॉग को सेव करके फिर सोएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को आगे से आगे शेयर करो, और जिसने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कराया तन्वी मलिक 09 एंड सपना मलिक 09 तो फटाफट से जाके फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का ऑप्शन होता है ताकि हमारे व्लॉग कभी भी किसी भी टाइम भी आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा, तो वो जरूर प्रेस कर लेना गाइस। तो जब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।